ओके, बिफोर गोइंग एड हमको ये देखना है कि सिंगल शॉट होता क्या है। जैसे कि आपको रेगुलर मूवीज़ में आपने देखा रहेगा, कुछ सीन्स होते हैं जिसमें एक वाइड शॉट रहता है एंड मीडियम शॉट रहता है, फिर देन क्लोजअप्स रहता है। ये पूरा सीन के अंदर क्या है, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट शॉट्स रहते हैं और उसको क्या किया जाता है कि बाद में उसको ना स्टिच किया जाता है एडिटिंग में और एक कम्प्लीट सीन बनता है। हालाँकि एक व्यूअर को इतना डिटेल्स में पता नहीं चलता कहाँ पे स्टिच हुआ क्या हुआ है, बट इफ़ यू लुक क्लोजली देन यू विल फाइंड इट। एंड सिंगल शॉट में क्या होता है, जैसे नाम से पता चलता है, सिंगल शॉट, एक ही कैमरा में एक ही शॉट में पूरा सीन हमको शूट करना रहता है। प्रॉब्लम क्या है कि इसमें प्री प्रोडक्शन वर्क बहुत ज़्यादा रहता है, मतलब एक शॉट एग्जीक्यूट करने से पहले और स्क्रीन प्ले जो है या फिर स्क्रिप्ट जो है उसको थोरोली जो एक्टर से उसको फॉलो मतलब उसमें प्रैक्टिस करते हैं, रिहर्सल करते हैं। ऐसा नहीं कि सिंगल शॉट मतलब उसी जगह पे टेक लिया और बिना रिहर्सल, इसमें सबसे ज़्यादा रिहर्सल होता है सिंगल शॉट में, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है ये वाला शॉट जो लेना। कोई भी मिस्टेक होता है मतलब बाय द एक्टर और बाय द प्रोडक्शन क्रू, पूरा का पूरा जो सीन है उसको रीशूट करना पड़ता है। एंड दैट इज़ वाई इट इज़ प्रीटी एक्सपेंसिव एंड टाइम टेकिंग जो भी सिंगल शॉट है, मतलब जो स्क्रीन पे चल रहा है उसको अगर इंटेंसिफाई करना है तो वो फिर सिंगल शॉट यूज़ करता है। और उसमें क्या होता है कि थ्रू आउट द सीन ऑडियंस जो है वो एक सेकंड भी हिल नहीं पाता अपने जगह से, उसका पूरा जो भी कंसंट्रेशन है पूरा सीन के ऊपर लगा रहता है और उसी पर्पज़ को सेटिस्फाई करने के लिए सिंगल शॉट यूज़ होता है। तो आज हम देखने वाले हैं एक वैसे ही सिंगल शॉट, एक मूवी से जिसका नाम है चिल्ड्रन ऑफ मेन। ये 2006 में रिलीज़ हुआ था, ये हॉलीवुड का मूवी है, 2006 में रिलीज़ हुआ था। एंड दिस मूवी इज़ डायरेक्टेड बाय अल्फोंसो क्यूरन, जिन्होंने ग्रेविटी भी डायरेक्ट किया है। ग्रेविटी हालांकि आपको पता रहेगा, सैंड्रा बुलक, स्टारिंग सैंड्रा बुलक। एंड इसका जो सिनेमाटोग्राफर है उनका नाम है इमैनुएल लुबेस्की, जिन्होंने रिवेनेंट और बर्डमैन जैसे मूवी का सिनेमाटोग्राफी उन्होंने किया है। ओके, तो चलो फिर बिना टाइम के भाई हम लोग जो सिंगल शॉट के बारे में बात करें उसका एक एग्जांपल देखें, जो कि मैंने इंट्रो में भी आपको दिखाया था थोड़ा सा हिस्सा उसका। देन लेट स्टार्ट। ओके, लुक एट द शॉट। एक्चुअली यहाँ पे मैंने पॉज किया है, ये जो भी बॉल वो एक्सचेंज कर रहे हैं ये शॉट के लिए भी कितना बार रिहर्सल उनको करना पड़ा रहेगा इसके लिए, पर्टिकुलर एक ही शॉट के लिए, क्योंकि यहाँ पे अभी कैसा ये सिंगल शॉट है इसमें कुछ कट नहीं कर सकते, ये अभी पूरा कंटिन्यू होने वाला है। अगर बाय चांस आप इमेजिन कीजिए अगर बॉल मिस हो गया होता किसी के मतलब मुँह से जाने से पहले, इट इज़ लाइक अगेन रीशूट करना पड़ता। ओके, लेट्स सी। Look at the movement of the camera. Ha, abhi, wow. Oops. Okay, अभी मैंने फिर से pause किया just to show के जो कार अभी हिट हो रहा है इसका टाइमिंग देखिए कितना कैसा है। अभी ये ड्राइवर मतलब अभी ये जो थोड़ा सा बैक जाते हैं अभी यहाँ पे ये देखिए अभी लोगों को दिखा रहा है कार के अंदर। अभी नेक्स्ट सीन में क्या हो रहा है, नेक्स्ट सीन में एक ही सीन है वो, दैट कार इज कमिंग फ्रॉम नो हेयर एंड ये पूरा ब्लॉक कर रहा है आगे। तो ये जो टाइमिंग है आप इमेजिन कीजिए कि अगर टाइमिंग थोड़ा सा भी इधर उधर होता है इस ऐसे वाले शॉट में तो क्या होगा, इधर ये कार उसको क्रॉस कर गया होता या फिर प्रॉपर टाइमिंग मैच नहीं होता। ये टाइमिंग थोड़ा सा भी इधर मतलब इधर से उधर होता है पूरा शॉट फिर से उनको रीटेक मतलब रीशूट करना पड़ता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी Wow.
हद ओके अभी देखा कि आपने कैसे अभी कितना डिफिकल्ट है, मतलब कार का सीन चल रहा है एंड एट द सेम टाइम जो भी बाहर का सीन चल रहा है जहाँ पे 30-40 लोग एक्स्ट्रास घूम रहे हैं, और एक बाइक का सीन है जो इतना डिफिकल्ट है। बाइक का सीन अगर कोई भी बाइक चेज हो गया या इस टाइप के शॉट के लिए, एक्शन शॉट के लिए कितना बार रीटेक करना पड़ता है, कितने सारे शॉट्स लेने के बाद उसको स्टिच करना पड़ता है, बट यहाँ पर एक सिंगल शॉट में उन्होंने किया है। हालाँकि बहुत बार किया रहेगा उन्होंने, रिहर्सल बहुत बार किया रहेगा, बट अगेन यू कैन सी इट इज बियॉन्ड इमेजिनेशन, दिस इज क्रेजी एक्चुअली। ओके लेट्स सी, पता नहीं ऑडियो को क्या हो गया, ऑडियो थोड़ा मैच नहीं हो रहा है। ओके लेट्स वाओ ओके ना आई एम पॉजिंग इट वंस अगेन। ओके अभी आप मुझे बताइए कि ये कैमरा मूवमेंट जो है कार के अंदर में कैसे शूट हुआ है, एंड हु इज़ एक्चुअली मूविंग द कैमरा। सो लेट्स लुक एट द BTS एंड हियर द प्रोडक्शन टीम एक्चुअली मेड ए डेडिकेटेड रिग फॉर दिस पर्टिकुलर सिंगल शॉट। उसमें क्या 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 उन्होंने एक मूविंग बेस उन्होंने बनाया जिसके ऊपर कार है, और कार के टॉप में एक स्पेस उन्होंने बनाया जिसमें प्रोडक्शन क्रू है, जैसे डायरेक्टर हो गया, सिनेमाटोग्राफर है, वो लोग बैठे हैं, एंड दे वर ऑपरेटिंग द कैमरा रिमोटली, बिकॉज वहाँ पे जाके मैन्युअली ऑपरेट करना कैमरा को इट इज़ नॉट पॉसिबल, बिकॉज एक इनक्लोज्ड एरिया में छोटा सा स्पेस है कार के अंदर में उसमें, और एक बंदा बैठ के कैमरा ऑपरेट नहीं कर सकता। हाउ क्लेवर इज दैट, यू नो। एंड टॉकिंग अबाउट द एक्टर्स, दे आर लाइक सो ट्रेंड इन दिस पर्टिकुलर शॉट, दे मूव देयर सीट्स अकॉर्डिंग टू द मूवमेंट ऑफ द कैमरा। तो सीट में भी हिंज वगैरह लगा है, और कैमरा जो मूव हो रहा है कार का जो टॉप है वहाँ पे भी हिंज लगा है जिसमें कैमरा माउंट है, एंड कैमरा एक्चुअली मूव्स अकॉर्डिंगली लाइक दीज टू एक्सिस, यू नो, और इवन इट कैन रोटेट 360 डिग्री। तो उस टाइप के शॉट के लिए आप इमेजिन करो कितना प्री प्रोडक्शन वर्क जो है उस कितना लगा रहेगा, कितना थॉट प्रोसेस इसमें लगा रहेगा, और क्या क्या यू नो रिसर्च उन्होंने किया रहेगा एक पर्टिकुलर शॉट के लिए। चलिए फिर आगे चेक करते हैं, हाउ इज द शॉट गोइंग, अगेन द कैमरा मूविंग दैट साइड। अभी तक एक भी कहीं पे इंटरप्शन मुझे मिला नहीं है। और आप एक चीज़ इसमें देखिए कि जैसे जैसे मतलब जो कैरेक्टर है, जो भी कैरेक्टर को वो एम्फासाइज करना चाहते हैं डायरेक्टर इसमें, वो जिस डायरेक्शन में देखता है कैमरा उसी डायरेक्शन में मूव होता है। टू मतलब ऑडियंस जो है उनको पता लगेगा कि कहाँ पे एग्जैक्टली देखना है करके, क्योंकि एक ही शॉट है उसमें, हम लोग कहीं पर स्टिच नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, तो विदाउट इंटरप्शन ये शॉट कैसे उन्होंने बनाया है। वाह, जैसे ही वो कार से निकलता है, अभी यहाँ पे देखिए पूरा कार का जो बाहर हिस्सा है पूरा दिखाता है, और एंड इट शोज एक्चुअली कि कोई रिग नहीं है करके यहाँ पे। तो मुझे ये लग रहा है कि ये वाला जो शॉट है ये इंटरप्शन मतलब उन्होंने डाला है बिकॉज टू शो पर्टिकुलर दिस शॉट कि हाँ कार में कहीं पे कुछ रिग नहीं लगा है, और उसको कहाँ पे उन्होंने जोड़ा है अगर आप देखोगे ध्यान से फ्रेम बाय फ्रेम, वी विल जस्ट मूव फ्रेम बाय फ्रेम एंड हियर, ओके हियर इट कम्स। यहाँ पे जो पिलर है यहाँ पे मास्किंग करके उन्होंने ये जो लेफ्ट साइड का सीन है और राइट साइड का सीन है दोनों को मर्ज किया, एक ही जगह पे ये 4 मिनट का ऑलमोस्ट जो पूरा सीन चल रहा था इसमें एक ही जगह पे उन्होंने स्टिच किया है, मुझे तो ऐसा लग रहा है। अदरवाइज जैसे कि आपने BTS में देखा जहाँ पे रिग्स था पूरा क्या गाड़ी के साथ वो रिग मूव हो रहा है, यहाँ पे तो ऐसा कुछ जैसे बाहर निकलता है और इतना रिफाइनली उन्होंने किया है, यू कैन नॉट, अगर BTS में नहीं देखता तो मुझे भी पता नहीं चलता कि ये यार कुछ हुआ है करके इसमें।
एंड यू कैन सी द होल कार, क्योंकि उनको दिखाना था कार के यहाँ पे रिग नहीं है कुछ नहीं. दैट एक्चुअली ये जो ये सीन में बोला ना कि इंटेंसीफाई करने के लिए उन्होंने किया है, तो ये एक्चुअली इंटेंसीफाई करता है कि लोगों को ना ऐसा कन्फ्यूजन में डाल देगा, यार कैसे शूट हुआ है ये, कैसे शूट किया, मतलब कार के अंदर में कुछ नहीं था, जैसे बाहर आ गया हम लोग वी आर लाइक क्लूलेस. ओके विल जस्ट मूव फॉरवर्ड. वाओ दिस इज सो मच टू डाइजेस्ट. बट अभी आपको पता चला कि एक सिंगल शॉट लेना कितना डिफिकल्ट, एंड डेफिनेटली फिल्म मेकिंग इज नॉट दैट इजी, बट श्योरली इट्स फन. सो नाउ इफ यू लाइक दिस वीडियो देन हिट द लाइक बटन, एंड कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि अगर इस टाइप के वीडियोस मुझे आगे बनाना है, अगर आपको रियली इंटरेस्टिंग लग रहा है इस टाइप के वीडियोस, इन फ्यूचर आई विल ट्राई टू मेक सम मोर वीडियोस ऑन दिस लाइक फिल्म मेकिंग टेक्निक्स क्या यूज होता है एक्चुअल मूवीज में, एंड ऑल वी विल डिस्कस अबाउट दैट. सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो, एंड आई विल सी इन द नेक्स्ट वन. टिल देन टेक केयर. Bye-bye.